आज हम बात करेंगे एक फ्रेंच मूवी की, जिसका नाम है मार्गरेट एंड जूलियन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 में। कहानी भाई बहन के एक ऐसे रिश्ते पर आधारित है जिसे समाज की नजर में पाप समझा जाता है, और पापियों के साथ हमारा पहले का समाज क्या करता था, यही इस मूवी की कहानी है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़का और लड़की को देखते हैं जो किस कर रहे थे। एक अनाथालय में कुछ लड़कियां जूलियन और मार्गरेट की अफवाहों के बारे में बात कर रही हैं। भाई बहन जो एक दूसरे के साथ रहने के लिए दुनिया से भाग रहे हैं। उन अनाथ लड़कियों की केयर टेकर तब उन्हें उस भाई बहन की कहानी सुनाती है। हम जंगल में उन दोनों भाई बहनों को पुलिस से भागते हुए देखते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम जूलियन और मार्गरेट को देखते हैं। जूलियन के माँ बाप मर चुके थे। मार्गरेट के पेरेंट्स ने ही उसे पाला पोसा। बचपन से साथ रहने की वजह से वो एक दूसरे के साथ ही ज्यादातर समय बिताते थे और एक ही कमरे में सोते थे। वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जूलियन को मार्गरेट की पेंटिंग बनाना बेहद पसंद था। उनकी इन बढ़ती नजदीकियों से उनके अंकल, जो वहाँ के महंत भी थे, बड़े परेशान नजर आने लगे। इसीलिए वो मार्गरेट के पिता जीन को जूलियन उसके बड़े भाई फिलिप के साथ विदेश भेजने की सलाह देते हैं, ताकि वहाँ रहकर वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। उन्हें लगता है कि मार्गरेट की वजह से जूलियन का मन पढ़ाई से भटक रहा है। जूलियन और फिलिप दोनों को अगले ही दिन विदेश भेज दिया जाता है। मार्गरेट अब वहाँ अकेली रह गई थी। वो अक्सर अपनी माँ से पूछा करती कि वो जूलियन से फिर कब मिल पाएगी। उसकी माँ हमेशा यही जवाब देती, जल्द ही। जूलियन और फिलिप ने अपनी पढ़ाई इटली, फ्रांस, जर्मनी और पेरिस में पूरी की। साल बीतते गए और मार्गरेट बड़ी हो गई। वहीं रहते हुए उसकी दोस्ती मार्गेन नाम के एक लड़के से होती है, जिसका किसी कारणवश एक पैर खराब हो गया था। उन दोनों के पेरेंट्स ने इनका रिश्ता पक्का कर दिया। कई सालों बाद जूलियन और फिलिप वापस लौट आते हैं, और जब मार्गरेट को जूलियन के आने की खबर मिली, वो दौड़कर उसके पास गई। जूलियन ने इत्र लगाया हुआ था, जिसकी महक मार्गरेट को आ रही थी। उसके वापस आने से जैसे सब कुछ बेहद ही खूबसूरत हो गया था। मार्गरेट को पता चलता है कि पेरिस में वो दोनों भाई एक तलाकशुदा औरत को देख रहे थे। ये जानने के बाद उसे काफी जलन होती है। उनके बीच जो चिंगारी थी, वो एक बार फिर से भड़क उठी थी। दोनों एक दूसरे के प्रति वैसा ही खिंचाव महसूस कर रहे थे जैसा बचपन में करते थे। मार्गरेट और मार्गेन की सगाई होने वाली है। ये बात अंदर ही अंदर जूलियन को परेशान कर रही थी। और आखिरकार वो दिन आ भी जाता है। आज मार्गरेट की सगाई है और जूलियन खुद के इमोशंस पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो डिनर टेबल से उठकर चला जाता है। मार्गरेट भी उसके पीछे पीछे चली गई और दोनों अटारी में मिलते हैं। ये पहली बार है जब जूलियन और मार्गरेट एक दूसरे के साथ अकेले थे, और आकर्षण पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। उधर डिनर पर सब मार्गरेट का इंतजार कर रहे थे। सगाई की रस्म पूरी होनी है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था, जिस वजह से मार्गरेट और उसकी फैमिली रिश्ता तोड़कर वहां से चले गए। पूरी फैमिली मार्गरेट और जूलियन को ढूंढने लगती है, जो अटारी में रहकर बच्चों वाले गेम खेल रहे थे। उन्हें अर्धनग्न देखकर उनके माता पिता उन पर काफी नाराज होते हैं और जानना चाहते हैं कि उनके बीच क्या हुआ। दोनों साफ कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उनके पिता उन्हें समझाते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए और वो ऐसा कोई भी काम ना करें जिनसे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। जीन महंत को बताता है कि उनके बच्चों ने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन महंत को उन पर यकीन नहीं होता और वो उन्हें सलाह देता है कि इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए, उन्हें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। उनके हिसाब से जूलियन और मार्गरेट बीमार हैं, और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो उन्हें नर्क की आग में जलना पड़ेगा। रात को जूलियन मार्गरेट को मिलने बुलाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन वो जानता है कि प्यार किसी को एक्सेप्ट नहीं होगा, इसीलिए वो उससे फिर कभी ना मिलने का वादा करता है और मार्गरेट को वहीं रोता छोड़कर चला जाता है। कुछ ही समय बाद मार्गरेट की शादी एक अमीर टैक्स कलेक्टर लेफरे से होती है, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी रोमांस नहीं था। मार्गरेट ने कभी भी उसे अपने नजदीक नहीं आने दिया। वो जूलियन को हमेशा लेटर्स लिखा करती, उसे बताती कि वो कितनी अकेली है। लेफेवरे को शक था कि उसकी पत्नी उससे बेवफाई कर रही है।
मार्गरेट जूलियन को लिखा करती कि उसने अपने पति को आज तक खुद को छूने तक नहीं दिया है और उसकी सास भी काफी मतलबी किस्म की औरत है। लेफेबरे भी अपनी बीवी की बेरुखी से काफी दुखी था और इस दुख ने उसे बाजारू औरतों के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। हर जगह ये अफवाह फैल गई कि उसका अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक संबंध नहीं है। सारी दुनिया उस पर हंसने लगी। जो औरत मार्गरेट के लेटर्स को जूलियन तक पहुंचाती थी वो उसे समझाती है कि अपने भाई के लिए रोमांटिक ख्याल रखना पाप है, लेकिन मार्गरेट तो जैसे प्यार में अंधी हो चुकी थी, उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। और एक दिन जब वो औरत मार्गरेट के लेटर्स को लेकर जूलियन के पास जा रही थी, लेफेवरे के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ वो लेटर लग जाता है, जिसे पढ़ने के बाद वो उस औरत को गोली मार देता है। लेफेवरे मार्गरेट को उसके पापा का एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि वो अपने पति के साथ अच्छे से पेश आए, वरना वो कभी भी अपने पेरेंट्स को देखने मायके नहीं आ पाएगी और वो उन्हें अपने नाती का मुंह दिखाए तभी वो उनसे मिलने आ सकती है। उसे पता चलता है कि जो औरत उसके लेटर्स पहुंचाती थी उसे मार दिया गया है। लेफेवरे की माँ अपनी बेटी से कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए उन्हें अकेला छोड़कर कहीं और चली जाएगी, जिसे लेफेवरे मार्गरेट के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर पाए। एक दिन एक बच्चा जूलियन का लेटर लेकर मार्गरेट के पास आया जिसमें लिखा था कि वो उसे आज रात भगा कर ले जाएगा। उसी रात लेफेवरे मार्गरेट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। कामयाब ना होने पर वो उसे कमरे में बंद करके वेश्याओं को लेकर अपने कमरे में चला गया और तभी जूलियन आकर मार्गरेट को उस कमरे से बाहर निकालता है। लेफेवरे को जब पता चला उसने जूलियन पर हमला किया। जूलियन मार्गरेट को वहां से भागने को कहता है और लेफेवरे को बहुत बुरी तरह से मारता है। मार्गरेट एक नाव पर बैठकर अपने घर चली जाती है। जूलियन तब उसके साथ पहली बार इंटीमेट हुआ और ये बात एक नौकरानी मार्गरेट की माँ को बता देती है, जिस वजह से वो अपनी बेटी को थप्पड़ मारती है। अपने बच्चों के इस कृत्य से उनके पेरेंट्स काफी दुखी है। उनके पिता जीन जूलियन को दूर भेजने पर विचार करते हैं, लेकिन उनकी माँ अपने बच्चों को खुश करने के लिए उनके लिए चुपके से एक साथ भागने की व्यवस्था करती हैं। दूसरी तरफ लेफेवरे ने जूलियन और मार्गरेट के खिलाफ अनाचार और व्याभिचार के आरोप दायर किए और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। कई हफ्तों तक भागने के बाद जूलियन और मार्गरेट फेगरेस पहुंचे और मार्गरेट को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मार्गरेट अपनी पहचान छिपाने के लिए एक आदमी का वेश धारण करती है, लेकिन अधिकारियों को उनके ठिकाने के बारे में एक सूचना मिल चुकी थी। इससे पहले कि वो इंग्लैंड जाने वाले जहाज पर चढ़ पाते उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट में दोनों अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार करते हैं और बताते हैं कि जूलियन ने मार्गरेट को उसके आपत्तिजनक पति से बचाने में मदद की थी। उनके पिता जीन राजा हेनरी चतुर्थ से अपने बच्चों को छोड़ने के लिए विनती करते हैं, लेकिन राजा का कहना था कि वो अनाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता और उन्हें क्षमा करने से इनकार कर देता है। इस बीच मार्गरेट एक बेटे को जन्म देती है जिसे एक नन की देखभाल में रखा गया था। जूलियन और मार्गरेट को दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। मार्गरेट अपने भाई को रिहा करने की गुहार लगाती है और कहती है कि केवल वो ही दोषी है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अगले दिन जूलियन और मार्गरेट का सर कलम करने का दिन था। जूलियन का सर काट कर उसे मार दिया जाता है और उसे देख मार्गरेट सदमे से मर जाती है और फिर कसाई उसकी भी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। जूलियन और मार्गरेट के पिता और भाई फिलिप उनके बच्चे को लेने आते हैं। नन उन्हें बताती है कि मार्गरेट ने बच्चे का नाम जूलियन रखा है और लास्ट में वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको आज की इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।